हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास BA फाइनल ईयर और आज हम आपका ऑफिशियल लेटर नंबर 10 जो आखिरी है वो करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने करना है कि आपको, मैंने नाइन्थ लेटर में आपको करवाया था कि आपको टीचर की पोस्ट फिल करनी है, तो हमने वो सिंपल लेटर किया था कि आपने उस लेटर में ही लिख दिया था कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आज हम उसका मतलब दूसरा करने जाएंगे जिसमें आप रिज्यूम भी बना सकते हो अपना। तो इसमें आपने रिज्यूम सेंड करना है, तो उसी तरह ही अपना एड्रेस लिखोगे, फिर उसके बाद जिसको भेजनी है उसको, द जनरल मैनेजर इन कंपनी का नाम और जहाँ पे वो कंपनी है। सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम मैनेजर, सिस्टम मैनेजर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, जिस डेट को आपने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी उसका उसकी डेट डालनी है, फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम मैनेजर। I offer my service for the same. I am the young man of 28 with dynamic personality. मैं 28 साल का dynamic personality का आदमी हूँ। मेरी जो qualification है वो, मैं MCA है मेरी अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से है। डिटेल मैंने अपने रिज्यूम में बताई हैं, जिसमें मैंने अपने अचीवमेंट और क्वालिफिकेशन हैं जो वो अटैच कर दी हैं। तो आई शैल नॉट डिसअपॉइंटेड यू, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। इफ़ यू गिव मी अ चांस टू प्रूव माई वर्थ, अगर आप मुझे मौका दोगे प्रूव करने का, विद रिगार्ड, जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन है जो वो बंद कर देनी है, जैसे हम नॉर्मली दूसरे करते हैं, यूर सिंसियरली अपना नाम लिख के। उसके बाद हम अगले पेज पे हैं जो इसके नीचे रिज्यूम बनाएंगे, जो इस तरह से है। हाँ जी, वो रिज्यूम क्या होगा, पहले अपना नाम, फादर नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपका पूरा एड्रेस, आपकी ईमेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये तो आपकी बायोडाटा हो गया। उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालोगे, सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4, ठीक है। मैट्रिकुलेशन 10th है, +2 है, BC और MCA है। मैट्रिकुलेशन आपने कब की, तो 1995 या जब भी आपने की, ठीक है। उसमें आपके मार्क्स कितने थे, कौन से इंस्टीट्यूशन से की और कौन सा बोर्ड था। इसी तरह से +2 के पासिंग ईयर, मार्क्स, इंस्टीट्यूशन और बोर्ड, ठीक है। फिर BCA आपने किस साल की, कितने मार्क्स आए, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। MBA में कितने मार्क्स थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। ये आपकी हो गई एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ में आप भंगड़े के टीम के कैप्टन रहे हो, एक्सपीरियंस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है HCL कंपनी में, रेफरेंस जिन लोगों ने आपको बताया है इस जॉब के बारे में, उन बंदों के नाम और उनका डेजिग्नेशन लिखोगे कि वो क्या काम करते हैं और कहाँ पे काम करते हैं। ये ऑप्शनल है बेटा, रेफरेंस देना या ना देना, ये इसे इंटरव्यू लेने वाले को ये पता चल जाता है कि आपने, आपको किसके ज़रिए भेजा गया है, ठीक है। कई बार बहुत नोन होता है तो वो आपको प्रेफरेंस देगा, है ना। तो रेफरेंस हम इसीलिए देते हैं ताकि हमें प्रेफरेंस मिल सके, ओके। तो इस तरह से आपने ये रिज्यूम बनाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपके जो लेटर्स हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।